यहाँ पे मेरी फुल सेवा हो रही है। अच्छी आ रही है, हंसने की क्या बात है। मेरी मतलब कंघी हो रही है, मेरे हाथों से ना कंघी नहीं हो रही थी, मतलब दर्द हो रहा है ना हाथों, तो मैं तो कंघी नहीं हो पा रही थी। 3-4 दिन से ऐसे ही पड़े थे तो बाल बहुत ज्यादा उलझ गए। तो दीदी आई थी कल तो जाने नहीं दिया, तो अब ये जा रही है, तो मैं आप हाथ मतलब कंघी उंगी तेल वेल लगा के तब जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। और बस अब थोड़ा कवरिंग है, अच्छा लग रहा है। बट परसों बहुत परेशान थी मैं, आज तो ठीक हूँ मैं, कल भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। दीदी के आने से ठीक हो? हाँ कुछ भी समझ लो, और थोड़ा सा ना लाइट वाइट थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिख रहा है, तो उसको इग्नोर मारिएगा। और मेरे ब्लॉग आ नहीं रहे हैं, थोड़ी मजबूरी है। कल डाल दिया था मैंने, क्योंकि पहले का एडिटिंग करा हुआ रखा हुआ था, तो एक दिन गैलरी चेक कर रही थी मैंने, चलो डाल देते हैं, क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंटिन्यू नहीं पहुंच रहा है तो एक दिन छोड़ के पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। कौन इस तरीका से सेव सेव बोलते हैं ना इनको, बनाते हैं। दीदी स्पेशल मशीन लेके आई हैं और मुझे दिखाने के लिए, एंड अच्छे बन रहे हैं, टच गुड। ये देखो ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप के, तो ये ठीक है, वैसे बच्चों के लिए काफ़ी टेस्टी चीज़ है, और हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं इसे। ये देखो एकदम क्रिस्पी के, ये 2 आलू थे, बताओ 2 आलू में इतने बन गए। और क्या चीज़। हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, उठ तो बहुत देर की गई थी, फेस्ट वेस्ट भी कर लिया था और सिंपल सा मुँह भी धो लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। जैसे आप लोगों ने देखा था कि दीदी आई थी मुझसे मिलने और चली गई वो, और बेटा रुक चुका है, तो वो 2-1 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। वो भी कह रहा था होली तो मैं वहीं खेलूँगा, तो होली के अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो होली या कोई भी त्यौहार इतना पता नहीं चलता है, तो उसका मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ भीड़ भड़का ज़्यादा हो वहाँ थोड़ा सा ठीक लगता है, पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी तबीयत ठीक होती तो हम भी घर चले जाते। बट इस बार ऐसा मौका आया, प्रियम फ्री है बट फ्री नहीं रहती वैसे, यार इस बार फ्री है तो जा नहीं सकती क्योंकि तबीयत पहले है, फेस्टिवल तो हर साल आते हैं ना। कोई बात नहीं, फिर शादी में भी जाना है इसलिए कैंसिल है, और तबीयत थोड़ी डाउन ही है अभी, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो आई थी मिलने, चली गई। वो बहुत जिद कर रही थी कि वीडियो बनाओ, पर मेरा मन करता ही नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर वीडियो बनाने में मन नहीं लगता, फिर ऐसे बोरिंग से वीडियो अच्छे भी लगते आप लोगों को भी देखने में। अरे ये देखेगा, ये गुच्छा कर लेंगे, ये ना कंगन, इसको पता ना पसंद नहीं आ रहा है, जाने क्या बार बार निकाल निकाल कर फेंक देती है, अब मुझे डर ही लग रहा है गुम ना हो जाए। क्या हुआ, उठ जाओ, ये देखो इधर सबको राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो बिट्टू, कैमरा कैसा आ रहा है, गंदा अच्छा कि मम्मा गंदा अच्छा आ रहा है, मेरा थो पड़ा, क्या हुआ, बड़े शरीफ बन गए आप। ये दोनों खेल रहे हैं बाहर, प्रियम और दिशु बहुत शैतानी करते हैं कसम से, ज़्यादा बच्चे बेकार ही है, क्योंकि बच्चा बच्चे से बिगड़ता है, मुझे कैसा महसूस होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये देखो इसके, और कल ही पहना है इसको हमने, ये पहनेंगी ना हम, कोई देख निकाल दे इनको, हाँ ये सोच रही निकाल दे, पहने रहो, अच्छा ले निकाल दिए, बस निकल गया, अच्छा नहीं लगा आपको ये। हमने तो बेटा इतने पैसे खर्च कर दिए फालतू में, मैं नहीं पता था तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, ऐसी छोटी मतलब बड़ी गुड़िया भी थी बचपन में, कुछ भी नहीं पहनती, अब तो उसको कितना भी लटकवा दूँ उनमें की ये भी निकल दें, ला रख ही देंगे फिर तो हम, भैया नहीं पहनाएंगे तुम घूम कर देंगे, यहाँ तो वैसे ही सब तरफ पार्क है, या तो धागा बांधना पड़ेगा, तो चलो काम कर लेते हैं, कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी एक टू चैट पड़ा है, और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हैं, तो चलो पहले काम कर लेते हैं। देखो छोटी सी रैग लग चुकी है बर्तनों वाली, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी बड़ी की, और
ठीक है, मैंने जो कांच के बर्तन थे वही लगाए, बकाया कोई बर्तन नहीं लगाए। ये डोलचियाँ भी मुझे चाहिए नहीं होती थी, जो जो सामान मुझे कम चाहिए होता है वही लगा दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे तवा वगैरह टांग दिया, यहाँ पे एक चम्मच वगैरह लगा दी, छोटा ही रह गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और क्योंकि यूजफुल वाले बर्तन तो आप लोग देख सकते हो इसमें आते हैं हमारे, तो अभी देख सकते हो आप पूरा किचन फैला पड़ा है, तो इसको मुझे बहुत जल्दी जल्दी समेटना है। तो पहले मैं समझ नहीं आ रहा रूम से सफाई करके लाऊं या किचन से सफाई करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले गई मैं किचन में, फिर मैं वापस आ गई रूम साफ करने के लिए, और यहाँ पर रूम की इतनी बुरी हालत कर देते हैं, दिन भर में 2-3 बार मुझे बेड सेट करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से किसके काम बढ़ाते रहते हैं बच्चे, आप लोग भी बताइए। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने सोच रखा कि भई आज तो सारे काम करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तक अपने हाथ से काम ना करो वो तब तक ऐसा लगता है कि घर के सारे काम अधूरे से हैं, कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए तो आज मैं लग गई हूँ अपना सारा काम करने के लिए। तो ये बेडशीट 2 दिन और सोच रही हूँ रोक लूँ, मतलब बिछा लूँ, फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे कैमरामैन बनाया है मैंने दिशु को, आप लोग को पता ही है, जैसे दीदी का बेटा आया हुआ है मेरे पास अभी, आजकल उसके साथ भी अभी वीडियो नहीं बन पा रही है। अब शायद मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा बनाने की, और आपने शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी प्रियम के साथ में, तो कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा इसी तरीका से। तो अभी वाले बेड की बारी है, बेड की कमी नहीं है। तो गाइस ये वाला बेड भी रख चुका है, ये मतलब दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा वो गाड़ी वाला, मेरे को पता है वो किधर है। फिर आ गई मैं किचन में, रूम की जब सफाई कर दो ना फिर ऐसा लगता है बहुत सारा काम हो चुका है। दूसरे नंबर पर होती है किचन, जिसका काम सिमट जाए। सबसे ज़्यादा तो वैसे किचन में ही टाइम लगता है, क्योंकि कई बर्तन ऐसे होते हैं जैसे दूध के हैं, कहीं किसी चीज़ के हैं, तो वो खाली करो, फिर सारे साफ़ करो, और फिर उनको सुखाओ, फिर उनको लगाओ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और गुड़िया रानी यहाँ पर मेरे को छोड़ नहीं रही है, रोई जा रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके चक्कर में रहूँगी ना तो मेरे सारे काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ अपनी क्लीन कर रखी है गैस, फिर इसके बाद सिर्फ साफ करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी पोछे के काम, पोछा करने के बाद। और आज जूते वूते भी बहुत ज़्यादा हैं धोने के लिए, तो इसलिए मैंने जैसे बताया आपको कि कपड़े तो हैं ही कल, क्योंकि कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी काम नहीं करा जाता मेरे से। और कुछ तो तबीयत ख़राब चल रही है आप लोग को पता है, पर करना पड़ता है बच्चों के लिए, खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ गुड़िया को मैंने गोद में ले लिया है और ये रो रही हैं इसलिए। तो यहाँ पर मेरी क्लीन हो चुकी है, क्या बोलते हैं, किचन, और आ गई मैं रूम में। फटाफट झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, बट झाड़ू लगाते हुए आप लोग को नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया जिसलिए जल्दी सूख जाए, क्योंकि ये बच्चे हैं ना ये मानते ही नहीं है, ये मतलब पीछे पीछे घूमते ही रहते हैं, तो सूख जाएगा तो फिर धप्पे से नहीं पड़ते हैं टाइल पर ना, बहुत जल्दी से धप्पे पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने साथ ही साथ फ़ैन चला रखा है। तो यहाँ पर सूख जाएगा जैसे ही कमरे, उसके बाद मुझे डाउट नहीं रहेगा कि ये अंदर है या बाहर है। उसके बाद मैं बाहर लगाऊंगी तो बाहर तो धूप है, तो धूप में तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पूछे की, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी साफ़ सफाई में थोड़ा सा सुकून सा हो जाता है, क्योंकि उसमें ना धूप का थोड़ा सा तापमान ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो फिर सूखने वूखने का इतना डाउट नहीं रहता है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में पता है साइटों से सफाई होती नहीं है ढंग से, तो बहुत टाइम लग जाता है और बड़े दाग धब्बे से पड़ जाते हैं, तो इसमें ना डबल पोछा मारना पड़ जाता है। और आज मेरी कमर अच्छे से दुखने वाली है,
इतना ज़्यादा हो जाता है पोछा लगाने के लिए, पाइफर से लगाओ फिर भी तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे पोछा बिल्कुल लग चुका है, तो यहाँ पे मैं एंड में लगाती हूँ इस सेट। वैसे तो धुलाई कर देती हूँ मैं इस सेट पर, जानबूझ के नहीं की। तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहाँ पे एंड, मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए एंड कर देती हूँ, मिलूँगी एक नए ब्लॉग।